मॉर्निंग फ्रॉम लिप्चा जगत। तो कल हम लोग रहे थे ये सिल्वर पॉइंट। तो ये जो देख रहे हो आप सिल्वर प्राइम होम स्टे, तो कल हम लोग यहाँ पे रुके थे। बहुत ही अच्छा होम स्टे है और अंदर बाइक पार्किंग का भी जगह है। ये हमारा दो बाइक यहाँ पे है और एक बाइक आगे रखा हुआ है। और तो चलो अभी आप लोगों को रूम दिखाते हैं कि रूम कैसा है। तो ये रहा रूम, बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही बड़ा रूम है। सॉरी थोड़ा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि आज हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। और ये रहा रूम से व्यू। वैसे वेदर तो थोड़ा फॉगी है इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है। तो ये है इस होटल का रूफटॉप, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। और अगर आप कैंप फायर करना चाहते हो तो इनसे बोलोगे तो ये कर देगा। और ये रहा यहाँ का व्यू। तो ये है साहिल भैया, ये बता रहा है कैसे ये होमस्टे आप बुक कर सकते हो। मतलब सिल्वर पॉइंट होम स्टे में जो गूगल से भी बुक हो सकता है और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। तो फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा इनसे लेके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप ये बुक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होम स्टे है और इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है। चलो फिर मिलता है। तो हम लोग लिप्चा जगत से निकल चुके हैं, तो आज हम लोग लामाहाटा तीन चूल्हे होके फिर वापस आएंगे, आके यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे। तो आज का स्टे हम लोग का दार्जिलिंग में ही है, तो दो दिन हम लोग दार्जिलिंग में रुकने वाले हैं और कल चटकपुर जाने का प्लान है। तो देखता है कितना दूर क्या होता है। वैसे मैंने होटल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है फ़ोन नंबर के साथ, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होम स्टे है। और कल रात हम जब यहाँ पे आए थे तो आपको इतना अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा हो गया था, रात हो गया था। तो अभी दिखाते हैं आपको रोड कैसा है, व्यू कैसा है। तो बेसिकली ये जो रोड है इनके दोनों तरफ पाइन ट्रीज का जंगल है। पूरा रोड भी आपको ऐसा दिखने में मिलेगा जो कि बहुत ही आई प्लेजेंट है और रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो ये हम लामाहाटा पहुंच गए हैं, थोड़ा सामने से घूम के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं कि यहाँ का व्यू कैसा है। तो हम लोग तो तीन चूल्हे जाने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश तीन चूल्हे का रास्ता बंद है, काम चल रहा है वहाँ पे, तो दो तीन दिन वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। तो सामने से थोड़ा घूम के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे खड़े होकर आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक गार्डन है और एक लेक भी है, आप ऊपर जाकर देख सकते हो, वो आने का टाइम आपको दिखाते हैं।
तो आप अगर तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट की तरफ जाना चाहते हो तो यही रोड है, वो सीधा जाता है तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट तक। कैमरा में शायद देख के कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि रास्ता बहुत ही स्टीफ है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइनेशन बहुत है इस रास्ते में, ऊपर से ये कर्व्स, तो अच्छा तो लग रहा है बाइक चलाने में, तो फिर चलो चलते। तो अभी हम लोग लामाहाटा पहुंच गए, तो आप लोगों को लामाहाटा का व्यू दिखाते हैं। एक जगह पे हम लोग रुके हैं सर मैगी खाने के लिए, तो उसके सामने ये गार्डन है, इसका टिकट लगता है अलग से। सामने ही है काउंटर, वो वाला काउंटर से टिकट खरीद सकते हो, खरीद के ये जगह घूम सकते हो। तो यहाँ पे रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग लामाहाटा से निकल रहे हैं, तो अभी जाएंगे सीधा दार्जिलिंग के होटल में जो कि महल के बहुत ही नज़दीक है, न्यू मैंडेला। तो जाके वहाँ पे आपको होटल भी दिखाएंगे। तो ये है दार्जिलिंग का मेन रोड और सामने ये आ रहा है घूम स्टेशन। यहाँ से राइट लेना पड़ेगा आपको दार्जिलिंग जाने के लिए, जो कि 8 किलोमीटर, और लेफ्ट का जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है मिरिक की तरफ 33 किलोमीटर। तो यह रहा लेफ्ट साइड में आप लोगों के लिए घूम स्टेशन। तो अभी हम लोग घूम स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर चलिए चलते होटल भी दिखाएंगे आपको, और अगर आप उस होटल पे रुकेंगे तो किस रास्ते से जाएंगे वो भी दिखाएंगे। दार्जिलिंग में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये जो लेफ्ट वाला रास्ता आप लोग देख रहे हो ये जा रहा है दार्जिलिंग महल की तरफ, और हम लोग रह रहे हैं राइट। तो हम लोग लगभग होटल पहुंच ही गए, तो जाके आपको होटल दिखाते हैं, तो फिर मिलते हैं होटल। गुड इवनिंग फ्रॉम दार्जिलिंग। तो हम लोग पहुंच गए दार्जिलिंग में, हम लोग जिस होटल में उठे हैं वो आपको दिखाते हैं, न्यू मैंडेला है इसका नाम। ये रहा होटल न्यू मैंडेला। चलिए अभी अंदर दिखाते हैं।
तो ये बहुत ही खूबसूरत होटल है। इसका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत पेंटिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ये वेटिंग एरिया है इस होटल का, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये होटल दार्जिलिंग मेल से सिर्फ 2-3 मिनट ही चल के आना होगा, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे एक झाल लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। पूरा होटल में ऐसा पेंटिंग है। ये हमारा रूम, तो होटल कैसे बुक करना है, कहाँ से बुक करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ़ोन नंबर के साथ, तो वैसे बुक कर लीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के बीच शेयर कर देना। बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।